नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। रियासना आपके साथ है। ताजा होले विद रिया के एक और एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। कहते हैं कि सफलता पाने के लिए और ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए ऊंची सोच होनी बहुत जरूरी होती है। उसके साथ ही जरूरी होता है जज्बा और उसे करने की ललस। और आज हम ऐसे ही व्यक्ति की कहानी सुनाने जा रहे हैं आपको जिनके अंदर ये ललस थी। रेणुका आराध्य की कहानी, जिनकी उम्र 50 वर्ष की है। आईटी इंडस्ट्री में रिच माने जाने वाले शहर बैंगलोर के एक छोटे से गांव के वो रहने वाले हैं और वहाँ से उन्होंने अपनी शुरुआत की है। मतलब वहीं उनका जन्म हुआ है और वो एक बहुत ही गरीब पुजारी फैमिली से बिलोंग करते हैं। और चूंकि पैसों के अभाव थे तो इन्हें अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए, 10वीं तक की पढ़ाई भी पूरी करने के लिए, दूसरों के घर में नौकर का काम करना पड़ा। इसके अलावा ये बगल के एक अनाथ बूढ़े की सेवा में भी लग जाते थे और एक बगल के मंदिर में पुजारी का काम भी करते थे। इसके बाद इनके पिता ने इन्हें आगे पढ़ाई करने के लिए शहर में आश्रम में भेज दिया। और आश्रम में केवल दो वक्त ही खाना मिलता था, वो था सुबह और शाम। दिन भर पेट में भूख लेकर वो बैठे रहते थे। और चूंकि दो वक्त खाना बहुत ही इनफ नहीं होता है, वो भी अच्छे अमाउंट पे ना मिले तो, जिसके बाद इसका रिजल्ट ये हुआ कि परीक्षा में ये असफल रहे क्योंकि ये पढ़ाई ठीक से नहीं कर पा रहे थे। और इन्हें वापस अपने गांव आना पड़ा, घर आना पड़ा। और थोड़े ही दिन बाद इनके पिता की मृत्यु हो गई, जिसके बाद सारा दारोमदार इन्हीं के सर आ गया, सारी जिम्मेदारियां इनके पास आ गई। उसके बाद बहुत मेहनत करने के बाद गाँव के ही एक फैक्ट्री में इन्हें नौकरी मिली। और एक साल वहाँ काम करने के बाद एक प्लास्टिक और बर्फी कंपनी में इन्होंने काम किया। उसके बाद एक बैग की कंपनी में काम किया। और कुछ साल काम करने के बाद इन्होंने खुद के बैग के कवर का बिजनेस करने का सोचा, लेकिन वहाँ उन्हें असफलता प्राप्त हुई। 30,000 रुपये का इन्हें नुकसान हुआ, जिसके बाद इन्होंने सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करनी शुरू कर दी। और कुछ साल सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने के बाद ये उब गए और इनके मन में ये आने लगा कि ऐसे ज़िंदगी नहीं बितानी है। उसके बाद इन्होंने ड्राइविंग सीखनी शुरू की और ड्राइविंग के दौरान भी इनके पास असफलता आई क्योंकि इन्होंने कार को ठोकर लगा दी थी। जिसके बाद ये हार नहीं माना इन्होंने वहाँ पर, और फिर भी सीखते रहे और बहुत ही बड़ी ट्रैवल एजेंसी में ये कैब ड्राइवर का काम करने लगे और उसमें कई विदेशियों को ये घुमाया करते थे, जिसके बाद इन्हें काफ़ी अच्छे टिप्स मिला करते थे। और इन्होंने खुद की कंपनी खोलने की सोची और इन्होंने लोन लेकर, उसके अलावा जो भी सेविंग्स थे उसकी मदद से सिटी सफारी नामक अपनी कंपनी खोली। एक साल में इन्होंने अपनी एक गाड़ी खरीदी और उसके बाद एक साल काम करने के बाद इन्होंने एक और गाड़ी खरीदी, जिसके बाद एक कंपनी थी जो उस वक्त काफ़ी घाटे में चल रही थी और उन्हें अपनी कंपनी को बेचना था, तो रेणुका ने उनकी कंपनी खरीद ली 6 लाख रुपए में, जिसके पास 35 कैब्स थे। और इसके बाद वो काम करते रहे और काम करते करते इन्हें तब सफलता महसूस हुई, तब सफलता मिली जब इनको अमेज़ॉन ने कॉन्टैक्ट किया। उसके अलावा वॉलमार्ट और बड़ी बड़ी कंपनीज इनके साथ काम करने लगे और देखते ही देखते इनके कंपनी का टर्नओवर 40 करोड़ रुपए का हो गया। और इतना ही नहीं, इनके अंदर 150 ऐसे लोग काम करते हैं, 150 लोगों को इन्होंने रोज़गार मुहैया कराया है। इसके अलावा ड्राइविंग सीखने के लिए महिलाओं को हमेशा प्रोत्साहित करते हैं और महिलाएं जो गाड़ी खरीदना चाहती हैं इन्हें 50% ये अमाउंट भी प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसी रही है इनकी जर्नी, एक छोटे से घर से निकलकर 40 करोड़ तक पहुंचना मुश्किल था लेकिन इम्पॉसिबल नहीं था और इन्होंने ये कर दिखाया। फिलहाल की आज की कहानी में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।